हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट कंप्यूटर पर बेस्ड। देखिए, कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका आंसर अलग अलग होता है। तो कैंडिडेट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आज के सेशन को देखने के बाद ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहते हैं, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर का नाम बताइए, फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर का नाम बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और इनके आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो क्या होंगे इन सभी केसेस में सही आंसर, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। हैव अ लुक गाइस। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो आप देख सकते हैं कि 6 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, आंसर है इनियक। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और आंसर होगा एबीसी। फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। देखिए, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, इनको फाउंडर के नाम से जाना जाता है। और आंसर इस केस में होगा एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने क्या डिजाइन किया, तो फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज इज एनालिटिकल इंजन। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर की अगर बात करें तो आंसर होगा टिफ्रैक। फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी वो पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ, वो कौन सा कंप्यूटर था, आंसर है एडसैक। विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर इस केस में होगा यूनिवैक। तो ये 6 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इन सभी 6 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनकी फुल फॉर्म्स भी एक बार देख लेते हैं कि इनियक, एबीसी, टिफ्रैक, एडसैक या यूनिवैक की फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। हैव अ लुक। इनियक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर की फुल फॉर्म है एटानोसॉफ बैरी कंप्यूटर। टिफ्रैक की फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडसैक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। वहीं यूनिवैक की आपकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये वो क्वेश्चंस थे जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखा जाता है और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता जरूर है। तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।